सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो बिना देरी के अपने आज के लिमिट ब्रेकर के चैप्टर नंबर 10 को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो अपने स्वॉर्ड एम्पर रहते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं अपने प्रेसिडेंट सू से, और उन्होंने अपने प्रेसिडेंट सू के फायर अटैक को अभी स्लैश कर दिया होता है और वो हंस रहे होते हैं। फिर वो बोलते हैं कि तो अब मैं देखता हूँ कि तुम किम किबोंग को मेरे हाथों से कैसे बचा पाती हो। उसके बाद वो अपने जेब से एक स्टोन को बाहर निकालते हैं जिसको अपने प्रेसिडेंट से देख के शॉक हो जाती है और बोलती है ये तो एक रिटर्न स्टोन है, यानी कि रिटर्न स्टोन वो स्टोन है जिसको हम स्मैश करके डंजन से तुरंत बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद जो अपने प्रेसिडेंट से रहती है वो अपने स्वॉर्ड एम्पर की तरफ बढ़ जाती है उसे रोकने के लिए। तभी अपने स्वॉर्ड एम्पर बोलते हैं अच्छा तो तुम कोरिया के नए स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर को बचाना चाहती हो, हाँ बट ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद वो अपने रिटर्न स्टोन को स्मैश कर देते हैं और वहाँ से टेलीपोर्ट होने वाले होते हैं। तभी वो अपने प्रेसिडेंट सू को बोलते हैं कि अब मैं देखता हूँ कि तुम उसे कैसे बचा पाती हो मेरे हाथों से। उसके बाद वो वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और जाते जाते वो अपनी बैडेस्ट सी स्माइल दे रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पर वो गायब हो जाते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी बड़ा एक मैजिक सर्कल क्रिएट हो जाता है। उसके बाद जो अपनी प्रेसिडेंट सू रहती है वो सोच रही होती है किम किबोंग बेशक को बहुत ज़्यादा ताकतवर है और वो पक्का एक एस रैंक के प्लेयर है, बट लेकिन अपने स्वॉर्ड एम्परर भी एक एस रैंक के प्लेयर हैं। उसके साथ साथ उसके पास एक मिथिकल ग्रेड का भी वेपन है और वो वेपन सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है जिसका नाम लाइट ड्रैगन फैंग है, जो ड्रैगन के फैंग जितना पावरफुल है। तभी जो अपनी प्रेसिडेंट सू रहती है कि जो सबसे बेकार अपोनेंट हो सकता है अपने कैप्टन किम के लिए वो यही हो सकता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जो अपने वाइस कैप्टन रहते हैं अपने किम के टीम के वो अपने मिस्टीरियस बंदे से बोल रहे होते हैं अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ तो चलो फाइट स्टार्ट करें, और इतना बोलते ही वो उसकी तरफ मुक्का लेके बढ़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं जब वो मिस्टीरियस बंदा रहता है वो उसको एक लात मार के उसके पोजीशन से बच जाता है और अपने कैप्टन को काफ़ी चोट लगती है। फिर अपने कैप्टन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये क्या होगा। तभी हम देखते हैं जो वो बंदा रहता है वो बोलता है कि अच्छा तो मैं जीत गया तो मैं यहाँ पर रह सकता हूँ क्यों है ना। इसके साथ साथ तभी वो उस पर काफ़ी ख़तरनाक सा पंच मारने जा रहा होता है जिसको देख के अपने वॉइस कैप्टन सोच रहे होते हैं सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक पावर है, इसके सामने तो मैं बच्चा सा लग रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता कि मैं इससे कभी बच भी पाऊँगा, लगता है ये तो मेरी बहुत बुरी हार होने वाली है। तभी जो अपना किम रहता है बीच में आकर अपनी एक ही उंगली से उस मिस्टीरियस बंदे के अटैक को रोक देता है, और जो अपना मिस्टीरियस बंदा रहता है वो अपने किम की पावर को थोड़ा फील करता है जिसको देख के उसके पूरे पसीने पसीने आने लगते हैं। उसके बाद जो अपना किम रहता है वो उससे बोलता है कि अच्छा ठीक है मैंने अब तक तुम्हारा नाम नहीं जाना है, मेरा नाम किम किबोंग है तो तुम्हारा नाम क्या है। तभी जो वो मिस्टीरियस बंदा रहता है वो अपने किम को बताता है कि मेरा नाम क्वेंग हुई है, अब से हम इस मिस्टीरियस बंदे को क्वेंग हुई कहकर बुलाएंगे। तभी अपने वॉइस कैप्टन अपने किम को कुछ बोलने जा रहे होते हैं, तभी अपना किम बोलता है कि रहने दो वैसे भी ये कोई बंदा नहीं जिसको तुम फाइट कर सको, अपने अपोनेंट की ताकत को एनालाइज करना और उसकी स्ट्रेंथ को जान लेना ये भी एक प्लेयर के लिए सबसे खतरनाक और इम्पॉर्टेंट स्किल होती है। उसके बाद जो अपने वाइस कैप्टन रहते हैं वो बोलते हैं कि जी सर मैं समझ गया अब क्या कहना चाहते हैं। तभी जो अपना क्वेंग भी रहता है वो अपने किम से बोलता है कि अच्छा अपने अपोनेंट की पावर को एनालाइज करना और उसकी स्ट्रेंथ को जान लेना, तो जो ये तुम्हारे वर्ड्स हैं वो क्या वो मेरी तरफ हैं, क्या तुम मेरे बारे में कह रहे हो। तभी जो अपना किम रहता है वो उससे बोलता है कि तो अच्छा इसका मतलब तुम पूरी तरह से बेवकूफ़ नहीं हो, तो क्या तुम अब भी मुझसे फाइट करना चाहते हो। तभी जो अपना क्वेंग हुई रहता है वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे खुद के कुछ ना कुछ कारण है, मैं आपकी पावर को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ। तभी जो अपना किम रहता है वो बोलता है कि जो भी हो चलो फिर फाइट स्टार्ट करते हैं। तभी हमें अपनी किम के सबऑर्डिनेट का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने क्वेंग हुई की तरफ देख के बोल रहे होते हैं कि क्या वो बेवकूफ़ सच में अपने कैप्टन से फाइट करने जाने वाला है। फिर हमें कोरिया की स्पेशल डंजन मैनेजमेंट टीम के बारे में बताया जाता है जो कि अपनी किम किबोंग की आखा टीम रहती है, और वो 6 महीने से अपनी किम किबोंग को अब्जॉर्ब करते आ रहे हैं, और जो अपना किम किबोंग है सच में काफ़ी ज़्यादा अलग लेवल पर है, उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा है। फिर तभी जो अपने वाइस कैप्टन रहते हैं क्वांग हुई की तरफ देख के बोल रहे होते हैं कि सच में ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, आज तो ये बुरी तरह हारने वाला है, मैं मानता हूँ कि ये बंदा सच में मुझसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जब मैंने फाइट किया तो मुझे बिल्कुल भी होल्ड बैक करने का मौका नहीं मिला, बट जो अपने कैप्टन है सच में वो अलग ही लेवल पर है, ये उन्हें कभी भी नहीं हरा पाएगा। तभी जो अपना क्वेंग हुई रहता है अपना अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है जो कि कुछ कुंफू टाइप का लग रहा होता है, और अपने किम को बोलता है कि अच्छा ठीक है अब मैं आ रहा हूँ। तभी जो अपना किम रहता है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है स्टार्ट करो। फिर जो अपना क्वेंग हुई रहता है काफ़ी स्पीड से अपने किम को जाके एक पंच करता है, बट अपना किम जो रहता है उसको डॉच कर लेता है।
तभी अचानक से अपना जो कोंगु रहता है, दूसरा पंच जो रहता है, उसे किम पे अटैक करता है। और वहाँ पे जो अपना किम रहता है वो कोंगु के फेस पे किक मारते हुए बोलता है कि अच्छा ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये लो वापस तुम अपनी किक को जो तुमने मेरे सबऑर्डिनेट पे मारी थी। फिर तभी जो अपने वॉइस कैप्टन रहते हैं वे बोल रहे होते हैं कि जैसे कि मैंने सोचा था, कैप्टन किम सच में अलग ही लेवल पर हैं। फिर हमको क्वांग वी का सीन दिखाया जाता है जिसको देख के लग रहा होता है कि उसे जो किक पड़ी है सच में काफी ज्यादा ताकतवर किक थी। तभी जो अपना किम रहता है वो उसको बोलता है कि अच्छा तो तुम अब भी खड़े हो, क्योंकि जो वो किक थी मैंने सच में काफी सीरियसली मारी थी, बट तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम्हें ज्यादा कुछ फर्क पड़ा है। फिर अपना जो किम रहता है वो उस पर पंचेस करते हुए बोल रहा होता है कि क्वांग वी है ना, तो जल्दी बताओ कि तुम कौन हो और तुमको यहाँ पर किसने भेजा है। उसके बाद जो अपना क्वांग वी रहता है वो उसको बोलता है कि ये एक सीक्रेट है, और एक बैक घूम के फ्लिप मारता है और एक किक मारता है अपने किम को। जो किक जो रहती है सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहती है, क्योंकि पूरे सीरीज में पहली बार ये पहला बंदा है जिसने अपने किम को एक किक मार के हवा में उड़ा दिया हो। फिर अपना जो किम रहता है वो सरप्राइज होते हुए बोल रहा होता है कि ये पहली बार है किसी ने मुझे हवा में उड़ाया हो। तभी जो वो अपना क्वांग वी रहता है वो अपने किम को बोल रहा होता है कि अभी सरप्राइज होने का सही वक्त नहीं है, और इतना बोलते ही वो अपने किम पे अटैक कर देता है। और जो वो अटैक रहता है वो कुछ एनर्जी अटैक रहता है जिसमें उसके हाथ से पर्पल कलर का ऑरा बाहर निकलता है जो जाके अपने किम को लगने ही वाला होता है। इस अटैक को देख के जो अपना किम रहता है सच में शॉक हो जाता है और काफी मुश्किल से इसके अटैक को डॉच करता है। और अपने मन बोलता है आखिरकार ये क्या था, क्या ये जादू था, नहीं ये कुछ अलग था। उसके बाद जो वो मिस्टीरियस बंदा यानी कि अपना क्वांग वी रहता है वो बोलता है कि ये ची है एकदम इसकी तरह। फिर वो अपने हाथ को दिखाते हैं, बोलता है कि देखो यही ची है। उसके हाथ में से पर्पल कलर का ऑरा निकलता है और जो अटैक रहता है वो जाके अपने किम को लग जाता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है और वहाँ पे स्मोक ही स्मोक हो जाता है। उसके बाद जो अपना क्वांग वी रहता है वो अपने किम पे काफ़ी सारे ऐसे ची अटैक करता है यानी कि एनर्जी अटैक करता है जो कि कुछ एनर्जी बॉल जैसे लग रहे होते हैं। जितने भी जो अपने किम के सबऑर्डिनेट रहते हैं वाइस कैप्टन के साथ साथ वो सारे ये देख के शॉक हो चुके रहते हैं। फिर अपना कैप्टन बोलता है मुझको लगा था कि ये ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, बट ये इतना स्ट्रांग होगा ये मैंने नहीं सोचा था। तभी अपना जो क्वांग वी रहता है वह हफ्ते हुए बोल रहा होता है कि क्या ये ख़त्म हो गया। तभी हम देखते हैं स्मोक में से जो अपना किम रहता है वो बाहर निकलता है, जिसकी जो शर्ट रहती है वो पूरी तरह से अटैक में जल चुकी रहती है यानी कि फट चुकी रहती है। फिर अपना जो किम रहता है वो उससे बोलता है कि क्या यार तुमने देखो क्या कर दिया। उसके बाद जो अपना क्वांग वी रहता है वो बोलता है कि वाओ सर की बॉग आप तो सच में काफ़ी ज़्यादा टफ हो, आपको देख के तो ऐसा लग रहा है कि आपको बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आया है। तभी जो अपने किम रहता है उस पर चिल्लाते हैं बोलता होता है स्क्रैच पहाड़ में जाए, देखो तुमने मेरे सारे के सारे कपड़े फाड़ दिए, अब इसका मैं क्या करूं। तो तुम्हें देख के लगता है कि तुमने अपने सारे मूव कर दिए, चलो अब मेरी बारी है। उसके बाद जो अपना क्वांग वी रहता है वो बोलता है कि ठीक है मेरे यहाँ पे काम खत्म, मैं गिव अप करता हूँ, मैं मानता हूँ कि सर गिव अप, आप मुझसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, जितना मैंने सोचा था आप उससे भी ज़्यादा ताकतवर हो, तो जैसा कि मैंने आपके वाइस कैप्टन को हरा दिया शायद के अनुसार, तो अब मैं आपकी टीम में शामिल हो सकता हूँ। क्यों सर की बॉन्ग, तो अब से मैं आपकी केयर में रहूँगा सर की बॉन्ग। तभी जो अपने किम रहता है वो चिल्लाते हैं बोल रहा होता है कि मैंने कब कहा कि मैं डन हो गया। उसके बाद हम देखते हैं जो अपना किम रहता है वो उसके फेस पे काफ़ी बड़ा पंच मारता है, वो जो बंदा रहता है वो घूमते घूमते जाता है और वहीं पर गिर जाता है। फिर अपना जो किम रहता है वो अपने सबऑर्डिनेट से बोलता है कि जाओ उस न्यूबी को अनपैक करने में मदद करो। जितने भी सबऑर्डिनेट रहते हैं अपने किम के वो देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं क्या ये मॉन्स्टर, क्या ये न्यूबी है, अगर इस जैसे को न्यूबी बोलते हैं तो फिर हम तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। फिर तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें फायर ड्रैगन्स नेस्ट के बारे में बताया जाता है जिसका डंजन रैंक होता है 8 स्टार, यानी कि ये 8 स्टार का फायर ड्रैगन नेस्ट है जो सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रैंक है, जिसकी जो एग्जिस्टेंस है वो वर्ल्ड के सबसे खतरनाक डंजनों में आती है। तभी न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि यहाँ पर काफ़ी सारी थ्योरीज है इस डंजन को लेकर, बट जितने भी एक्सपर्ट हैं वो इस पर एग्री करते हैं कि एक बार अगर फायर ड्रैगन जाग गया जो साउथ कोरिया है उसको सच में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। तभी हमको अपने स्वॉर्ड एम्पर का सीन दिखाया जाता है जो कि एकदम डेविल वाली हंसी हंस रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पास एक ड्रैगन को मार रखा होता है और जो ये ड्रैगन रहता है उसको चेहरे पे उनकी मिथिकल ग्रेड की स्वॉर्ड लगी होती है, और ये ड्रैगन रहता है वो फायर ड्रैगन का हैचलिंग यानी कि उसका बच्चा रहता है। तो इसी के साथ यार हमारी आज की वीडियो बनती है एंड आई होप गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइज यार हमें कमेंट करके बता दिया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो इसी के साथ आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जहां हम देखेंगे कि अब क्या होने वाला है, क्या जो अपना फायर ड्रैगन है वो जाग जाएगा और क्राइसिस मचा देगा अपने पूरे साउथ कोरिया में। तब तक के लिए बाय बाय।